अच्छू आई गेस और 5-10 किलोमीटर ही रह गया है। स्लो डाउन गड्डीज है, गड्डीज है, पता नहीं चला। सो हम पहुंच गए हैं फाइनल सरचू। मजा आ रहा है मेरे को तो बहुत ज्यादा, और व्यू देखो आप, मस्त व्यू है कि नहीं है, है ना। सरचू में कैंप्स बहुत सारे हैं अब, बट आई गेस सीजन में ये सब फुल रहते होंगे। और रोड बना दिया बिल्कुल मस्त बीआरओ ने। ले रह गया है 250 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर, तो आई गेस 6 घंटे तो हमें लगेंगे अगर हम नॉन स्टॉप जाएंगे। बट नॉन स्टॉप तो हम जाएंगे नहीं, हम नेक्स्ट स्टॉप लेंगे पांग में, उससे पहले तो हम नहीं रुकेंगे अब। मज़ा आ रहा है भाई साहब इस सड़क पे, इस रोड पे चलाने में जो फील है ना, दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द वर्ड्स। जन्नत, साथ में पहाड़, साथ में रिवर, और हम, हमारे साथ है फैंटम। सो मज़ा आ रहा है। हमारा अभी जो डिस्टेंस है 240 किलोमीटर्स रह गया है फॉर ले, एंड आई गेस हमें 6-7-8 तो बजेंगे पहुंचने में, लेकिन जिस हिसाब से रूट्स बनी हुई हैं अब आई गेस कम टाइम लगेगा, बट स्टिल वी आर टेकिंग आराम से इजी, दैट्स फुल ऑफ हिमालयन बाइक्स। मोटो टूर करके कुछ है, चले जा रहा है, बहुत सारी बाइक्स हैं मेरे पास। पास विच इज एट 15,547, तो वी एट अ वेरी गुड हाइट। रुक के अभी हमारा फोटो लेने का कोई शौक नहीं है, न मन कर रहा है। फिलहाल हम नीचे उतरते हैं फटाफट, नीचे उतर के थोड़ा सा वहाँ पे उतर के वेट कर, रेस्ट करेंगे थोड़ा सा है। और जगह का नाम मैं बिल्कुल भूल चुका हूँ, क्या था और क्या नहीं था। फिलहाल यहाँ पे बहुत सारे कैंप्स हैं, तो यहाँ पर करते हैं थोड़ा सा रेस्ट और चलते 15-20 मिनट बाद। सामने का मौसम हो गया बड़ा मस्त, और वहाँ से, और ये पूरा रोड अभी बन रहा है, तो आई गेट नेक्स्ट ईयर तक ये पूरा रोड कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगी पूरी टारमैक रोड। रोड जर्नी चल रही है, इसमें कुछ भी कट करने की ज़रूरत नहीं है मेरे को, बिकॉज यू शुड सी कि आप क्या फेस करने वाले हो, क्या क्या फेस करने वाले हो, कैसे कैसे फेस करने वाले हो, और कौन से स्टेज पे क्या फेस करोगे। तो बारालचा में देखा आपने क्या देखा, उतरने के बाद देखा आपने क्या, बारालचा से हम भरतपुर जब थे क्या हाल था वहाँ पे, उसके बाद तो रोड बढ़िया था। वी वर क्रूजिंग टिल सरचू, सरचू से भी हम आगे टिल एक पॉइंट था, वहाँ से घाटा लूप से फिर रोड ख़राब होनी शुरू हो गई। घाटा लूप से टिल अभी तक रोड्स ख़राब ही हैं, मतलब ये दीज आर अंडर कंस्ट्रक्शन, जब भी बन जाएंगी तो दिस विल बी ऑल टारमैक रोड। कब बनेंगी आई डोंट नो, क्योंकि ये बहुत टाइम से ऐसी ही, तो सही टाइम से हम सही जगह पहुँच रहे हैं, नॉट मच ऑफ डिले। ब्रेक्स हमारे शॉर्ट हैं, अननेसेसरी हम ब्रेकेज नहीं ले रहे हैं, वेदर इट्स क्लिकिंग द पिक्चर्स और हैविंग सम खाना वाना। तो अभी आप लोग देखो हम एकदम से डाउन हो जाएंगे, डाउन। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि अभी भी जून के टाइम में यहाँ बर्फ जमी हुई है। हाँ जी,
जम चुका है। कैन यू सी दिस, पानी हल्का हल्का लीक हो रहा है, लेकिन ये बर्फ है। थोड़ा सा ब्रेक लिया, सूप पिया हमने, सूप पी के हमने अपनी बॉडी को फिर से हाइड्रेटेड किया। अब हम आगे पहुंचेंगे पांग से हम निकल गए, अब जाएंगे मोरी प्लेन्स। टाइम हो रहा है 4 एंड आई गेस वी आर रनिंग वेरी वेरी लेट, क्योंकि तांगला में तो ठंड हो जाएगी। यहाँ से मोरी प्लेन्स तक रोड सर बड़ा खराब, लाइक दिस ओनली, बट दिस इज ओके, दिस इज नॉट रोड खराब, बट यू कैन क्रूज, सैडल करो और उड़ते चले जाओ। एंड यू कैन मेंटेन अ कंफर्टेबल स्पीड हियर। सो दिस इज कॉल्ड मोरी प्लेन्स। थोड़ी देर में टारमैक रोड स्टार्ट हो जाएगा, विच आई कैन सी, एंड आप लोगों को भी थोड़ी देर में दिख जाएगा कैमरा। यस, हियर कम्स द मोरी प्लेन्स एंड वी फाइनली हैव रीच्ड मोरी प्लेन्स। और आप यहाँ पे क्रूज करते हुए जा सकते हो, दोनों तरफ पहाड़ है और बीच में रोड है। बट यहाँ पे बीच बीच में ना हम्प्स आते हैं, तो ज़्यादा क्रूज में नहीं चलना, नीड टू स्लो डाउन। 80 स्पीड इज़ गुड, क्योंकि तभी आप उसको कंट्रोल कर पाओगे। मोरी प्लेन्स की बात अलग है, लेकिन जितना भी बोलो कम है। बट फाइनली हर बार कहता हूँ बट मैं ड्रोन शॉट लेता हूँ नहीं पाता, सम ऑफ द अदर रीजंस, बिकॉज ऑफ माई लेजीनेस,
बट अब ड्रोन शॉट आपको मज़ा आ गया होगा बोरी प्लेन्स का, और हम हैं बोरी प्लेन्स में। अब जो टारगेट है हमारा रुमसे का है, आफ्टर तांगलांगला आप सीधा वहीं रुकेंगे। सो वी गोना जस्ट क्रूज एंड सो दैट्स अ वुल्फ, आई एम एबल टू सी अ वुल्फ। जूम करके फाइनली रीच तांगलांगला। आपको एक चीज दिखाएं, ये देखो कैसे स्नो पीक्स हो रखी हैं, छोटी 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 छोटी। रुकने का मूड तो नहीं है, रुकने का मूड नहीं है मेरा, रुकने का मूड नहीं है। डिस्टेंस बहुत है अभी। घर में एनर्जी खत्म हो जाएगी, रुकेंगे तो। और यहाँ थोड़ी देर रुक के ना कुछ खा पी लेते हैं। थोड़ा रेस्ट भी कर लेते हैं, बहुत देर से चल रहे हैं हम। मिलते हैं आपको दोबारा रोड पे जब हम यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे लेह के साथ। You see the cloud color? It's orange. That means sunset is happening somewhere. Though we can't see because of the high mountains of Himachal. Nahi, Himachal nahi, Himalayas. And the color of the cloud is orange. Orange and orange.
सो फाइनली वी आर ऑन द लास्ट लेग ऑफ द ले, और ले रह गया है अप्रॉक्स 60-70 किलोमीटर्स, अप्रॉक्स 70 किलोमीटर्स, एंड वी शुड रीच इन अदर 2 आवर्स मैक्सिमम. इट्स अ लॉन्ग डे गाइस, वी टुक ऑलमोस्ट 12 आवर्स टू रीच रुमसे, विच इंक्लूड्स 12 बजे का जाम, रोड कंडीशंस, एंड मे बी 3 to 4 ब्रेक्स विच वी टुक 15 to 20 मिनट्स फॉर ईच. एंड तांगलांगला वॉज समथिंग गुड, बट जैसे ही तांगलांगला क्रॉस किया इट्स वॉज स्लशी, तो वहाँ स्पीड वॉज ड्रॉप्ड, बट नाउ द रोड्स आर गुड. लाइक वो 2-3 किलोमीटर का स्ट्रेच था, उसके बाद तो रोड हो गया मस्त एकदम. बट आई एम लविंग दिस, आइडियली वी शुड क्लिक द पिक्चर. अप्रॉक्स 45 किलोमीटर्स है, टाइम लगेगा हमें एटलीस्ट 1.25 घंटा पहुँचने में और अपने होटल तक पहुँचने के लिए. सो अभी तो फिलहाल हम खींच रहे हैं, और हमें आज की जर्नी में अप्रॉक्स टाइम लग गया 13-14 घंटे राइड फ्रॉम जिस्पा टिल ले लद्दाख. मेन पॉइंट ऑफ ले सिटी, दिस इज द मेन जंक्शन ऑफ ले. लेफ्ट जाएंगे श्रीनगर. यार ये क्या कर रहा है पुलिस वाला, और यहां से हम लेंगे लेफ्ट तो अब हमारा होटल जो है अप्रॉक्स 2 किलोमीटर है. चेकिंग चल रही है यहाँ पे. यहाँ से आ जाओ. चार मिनट में वी विल बी इनसाइड आवर होटल. फाइनली